नेचर में जीव पैदा होने के बाद से वो माँ बाप ही होते हैं जो उसे खाना खिलाने से लेके शिकारी जानवरों से उसकी हिफाजत करते हैं। ऐसे ही जीव करोड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस दुनिया में रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति सर्वाइवल के असली मीनिंग्स को समझाती है, फिर चाहे वो अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ देना हो या उसे मार देना या उससे भी बुरा। आप शायद सोच रहे होंगे कि मरने से भी बुरा क्या ही हो सकता है। जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। ये है क्रेन बर्ड्स यानी सारस पक्षी और ये अपने बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक रही है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये एक ऐसा टर्म है जिसे अमूमन बहुत सारे बर्ड्स को परफॉर्म करते हुए पाया गया है और इसे रिडक्शन ऑफ ब्रूड कहा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, बल्कि ये कुदरत का नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। इनमें जब ये पक्षी ये रियलाइज करते हैं कि उनके पास सभी बच्चों को खिलाने लायक खाना नहीं है तो वो एक या फिर दो बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इसमें भी सबसे कमजोर बच्चों को ही चुना जाता है। एंड दिस इज हाउ नेचर वर्क्स। लेकिन जानवरों के मामले में लिस्ट में अगला जो मैमल है ये इससे भी कई ज्यादा खतरनाक स्टेप्स अपने ही पैक में मौजूद बच्चों के लिए उठाता है। साल 2015 में हुआइनगे नेशनल पार्क से लिया गया ये वीडियो जिसमें सिर्फ दो दिन के एक छोटे से हिप्पो के बच्चे को उसकी माँ पहली बार अपने पैक से इंट्रोड्यूस कराती है तो पैक के बाकी के वयस्क हिप्पो इस पे हमला कर देते हैं और इसे मार देते हैं। लेकिन आखिर कोई जानवर भला क्यों अपने ही पैक के इतने छोटे से बच्चे पर हमला करेगा? वेल, इसके पीछे एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है, वो है ओवर पॉपुलेशन। आमतौर पर एक साधारण हिप्पो पैक में 14 से 15 हिप्पोस एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हुए ये मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई भी हिप्पो जो कि बच्चे पैदा करने वाली होती है तो वो उसके लिए इस पैक के ऊपर कोई बोझ ना बने। इसमें हिप्पो ज्यादातर बच्चों के साथ कोई नई जगह ढूंढ के ज्यादातर अपने ऑफस्प्रिंग्स को पालते हैं, लेकिन पहले से बने हुए पैक में एक और नया बच्चा आके वहाँ के रिसोर्सेस को खत्म करेगा। ये चीज हिप्पोस बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। ये जानवर बहुत ही एग्रेसिव और जानलेवा होते हैं और इनके करीब जाने पर ये किसी को भी अपने पावरफुल बाइट फोर्स के दम पर किसी भी जानवर को मौत के घाट उतार सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, जंगल में सर्वाइवल नेचुरल सिलेक्शन से डिसाइड होता है। कमजोर जानवरों की यहाँ कोई जगह नहीं होती, फिर चाहे आप जंगल के राजा के बेटे ही क्यों ना हो। जब तख्त पलट होती है और मेल लायन किसी नए घुसपैठिए से लड़ाई में हार जाता है तो फौरन नया राजा उसके बच्चों को मार देता है ताकि वो अपने ब्रीड को आगे बढ़ा सके। लेकिन इन बर्ड्स को दुनिया की सबसे सेल्फिश बर्ड कहना ज्यादा सही होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी और के घोंसले में बैठी हुई है और इस घोंसले में ये किसी और के माँ का हाथ का खाना खा रही है। ये है कोयल के बच्चे और कोयल पक्षियों में सबसे ज्यादा सेल्फिश माँ होती है। ये अपने बच्चे को किसी और के घोंसले में छोड़ उन्हें अपने हाल में छोड़ आती है और ये अपने बच्चों के जन्म से पहले ही इन्हें दूसरों के घोंसले में छोड़ आती है। इंटरेस्टिंगली जब इनके अंडे देने का समय आता है तो फीमेल बर्ड्स एक ऐसा घोंसला ढूंढती है जहाँ पहले से ही अंडे मौजूद हो। इसके बाद ये घोंसले में से एक या दो अंडों को निगल जाती है और अपने अंडों को इस घोंसले में छोड़ जाती है और ये बच्चे घोंसले में मौजूद बाकी अंडों के मुकाबले जल्दी बाहर आ जाते हैं और जल्दी ही बड़े भी हो जाते हैं। एंड इसके बाद घोंसले में मौजूद बाकी बच्चों को घोंसले से गिरा दिया जाता है। कॉम्पिटिशन एंड्स। एंड इस फिनोमिनॉन को ब्रूट पैरासिटिज्म कहा जाता है, जिसमें पक्षी किसी पैरासाइट्स की तरह दूसरे घोंसले को यूज करती है अपना पेट पालने के लिए। ब्लैक ईगल्स। जब भी बच्चे आपस में लड़ते हैं तो माँ हमेशा लड़ाई के बीच आके दोनों को डांट जरूर लगाती है, राइट? लेकिन इस माँ को शायद अपने ही बच्चों को लड़ता देख कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो किसी ऑडियंस की तरह जैसे फ्रंट रो में बैठ के अपने ही दोनों बच्चों को लड़ते हुए देखती है और तब तक देखती रहती है जब तक इनमें से एक मर नहीं जाता। ऐसे सिचुएशन में ये माँ दूसरे बच्चों को डांटने के बजाय ये माँ और जिंदा बचा हुआ बच्चा मिलके दूसरे बच्चे को खा लेते हैं। वेल, ऐसा करने के पीछे का भी सिंपल रीजन है, जो स्ट्रांग होगा वही जिंदा रहेगा और उन्हें कम खाना इकट्ठा करना पड़ेगा।
गया, सिंपल। लेकिन क्रूअल होने के मामले में नेचर के कुछ सबसे प्यारे जानवर भी पीछे नहीं है। ये है पांडा। आमतौर पर ये जानवर क्यूट, फनी एंड एडोरेबल होते हैं, लेकिन जब बात पेरेंटिंग पे आती है तब ये बहुत ही बुरे होते हैं, क्योंकि ये इतने आलसी होते हैं कि इनको बच्चे पैदा करने और पालने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन ज्यादातर केसेस में पांडास दो बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन ये पांडास सिर्फ एक को ही पालते हैं। ज्यादातर पहले बच्चे को ही ये केयर करते हैं और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जन्म के वक्त इन बच्चे की आंखें विकसित नहीं हुई होती, तो अमूमन माँ पांडा को ही इनकी देखभाल करनी होती है, जिसमें ये दो बच्चों का देखभाल नहीं करना चाहती, क्योंकि इनके लिए ये बहुत ही ज्यादा काम होता है और शायद इसी वजह से ये स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पर आ खड़ी हो गई है। सो इसका सलूशन ये है कि जन्म के समय पांडास को ये पता चलने ही नहीं दिया जाता कि कितने बच्चों का जन्म हुआ है। उसके सामने हमेशा ही एक ही को रखा जाता है और दिन में कम से कम 10 से 12 बार इन्हें बारी बारी दूध पिलाया जाता है। थैंकफुली जू में रहने वाले पांडास को जू कीपर संभाल लेते हैं, वरना शायद इसी आलस की वजह से आज ये विलुप्त हो चुके होते। वेल, ये थे कुछ सबसे खराब पेरेंट्स जो नेचर में मौजूद है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू हियर वी लर्न। थैंक यू सो मच।